वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक और आपकी नई क्लास, उम्मीदों की क्लास। जी हाँ, जीरो लेवल मैथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्ताह में 3 दिन कक्षा 7 की गणित हो रही है और 3 दिन कक्षा 4 की गणित हो रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा, काफी लोगों को, ये 7 और 4 की गणित क्यों। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको क्लास 10th तक की मैथ बहुत अच्छे तरीके से आती है तो इंडिया का आप कोई ऐसा एग्जाम नहीं, जो बड़े पोस्ट के हैं, ए लेवल या बी लेवल को छोड़ दें तो सी डी और भी लेवल के सभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो क्लास 10th तक की मैथ बहुत मायने रखती है, लेकिन हाई स्पीड होनी चाहिए हल करने की। अगर ग्रुप ए या ग्रुप बी की नौकरी की बात करें तो क्लास 12th तक की मैथ, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लेते हैं, किसको क्या समझते हैं। आज हम देखेंगे कक्षा 7 की गणित में जो हमारा टॉपिक होगा, सर्वसमीकरणों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण इक्वेशन कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चाहे तो आप डीएलएड के लिए लगे हुए हैं, टेट सीटेट, 10th 12th में हो, किसी भी क्लास में, सभी के लिए मास्टर क्लास, एक प्रकार से जीरो लेवल मैथ। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है 51 का होल स्क्वायर, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अगर आप कक्षा 7 में हैं तो ये कक्षा 7 में एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपका अभ्यास 1 का कौन सा है, जी एच वगैरह है, ठीक है। अभ्यास 1 का एच, जी बिल्कुल एच है। अगर नहीं होगा तो कमेंट करिएगा आपके बुक में, अगर नहीं तो। वैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं छोटा सा, मैंने ले लिया 11 और 11 का होल स्क्वायर किया तो 121 आ गया, सभी जानते हैं। अगर कोई बोले कि इसको सर्वसमिका की सहायता से ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, सिंपल में देखिए, इसको हम तोड़ सकते हैं 11 को 10 धन 1 होल स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 और गुणा 1। कुछ लोगों के ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ये कैसे कर दिया। देखिए ये हो जाएगा 10 × 100 धन 1 का गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, 2 × 20 टोटल हल करेंगे 101 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे 21 हो गया। अब जिन लोगों को 11 का वर्ग नहीं आता है वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। वैसे तो ये छोटा सा था, आप कर ले जाएंगे फिलहाल। 11 का तो मानते हैं कि आपको याद होगा, लेकिन अगर आपको 51 का दे दिया, 87 का दे दिया तो आप इसका वर्ग आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसका वर्ग आप विस्तार करके ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन ये मैंने रखा कैसे आप नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूं। देखिए इसको मैंने ऐसे रखा था, ये जैसे इधर लिखा हुआ है उस पे चलेंगे, पहले इधर समझिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहीं कहीं आपको 2ab बीच में लिखा मिलता है, बी स्क्वायर बाद में लिखा होता है, ऐसा भी होता है, तो कोई इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप इसे बीच में लिख दें या इधर लिख दें। यहां देखिए मैं इसको इसमें भी सेट कर सकता हूं, देखिए 10 × 1 हो गया होल स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 2 × 10 × 1 कंप्लीटली हो गया 100 × 1 × 20 121। क्लियर, कैसे, जहां जहां ए है वहां 10, जहां बी है वहां 1, जहां ए है वहां 10, जहां बी है वहां 1, दो फार्मूले में था, इस पे कोई चेंजिंग नहीं, ए की जगह पर 10 और बी की जगह पर 1, हल कर लिया 121 आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, छोटा गिनती इसलिए मैंने लिया। अब हम चलते हैं इसमें 51 में, लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है तुरंत, हो गया। आप कुछ लोगों के जो ये लाइव प्राइमरी के सेशन का कमेंट का जवाब नहीं मिल पा रहा है इस समय, जो कि मुझे पता है आपके कमेंट्स का जवाब मिलेगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करना है आप पहला नंबर तो वीडियो में कमेंट कर दें, ठीक है। अभी जैसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ बात है जिस वजह से आपके कमेंट्स के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, आपको मिलेंगे। आप लोग अपने एक्स्ट्रा सवाल को इस नंबर पे पूछ सकते हैं, इस पर आप फोटो खींच कर भेजेंगे क्वेश्चन की, कुछ टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद आपके सभी सवाल प्रत्येक सैटरडे और संडे को किए जाएंगे, इसको करेंगे। आप लिख सकते हैं 51 को 50 + 1 होल स्क्वायर इक्वल टोटल ये हो जाएगा, कैसे, देखिए इसको आप फार्मूले में रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी। इसको आप जब फार्मूले में रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले में आप इसको सेटअप करेंगे कैसे, ए की जगह पर आप 50 रखेंगे, बी की जगह पर आप 1 रखेंगे, क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा 50 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह पर 1 रखा, फिर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर क्या रखेंगे 50, बी की जगह पर रख दीजिए 1। बहुत जल्दी जल्दी से इसमें हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए 50 का होल स्क्वायर कितना होगा जान रहे हैं, ये 50 का होल स्क्वायर का मतलब होगा 50 गुणा 50। इसमें आपको पहाड़ा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको करना क्या है 5 का 5 में गुणा कर लेना है, सिंपल में 25 आ गया, 1 0 2 0 दोनों जीरो को लिख लेना है, कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 2500 और प्लस 1 का वर्ग मतलब 1 और प्लस 2 का 50 में गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2500 में 100 जोड़ लीजिए हो गया 2600 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2601। इसको जोड़ने का तरीका ऐसा है, देखिएगा नहीं तो आप लोग गड़बड़वा देंगे बहुत जगह, ये ऐसे जोड़ेंगे 1062, समझ में आया ना। कोई कंफ्यूजन है निसंकोच कमेंट करें, आपकी क्लास फुल एचडी क्वालिटी में है, इसे आप 1920x1280 के पिक्सल में देख सकते हैं, बिल्कुल चाहे लैपटॉप पे देखें, टीवी में देखें, डेस्कटॉप पे देखें, कहीं भी देखें, क्वालिटी आप सेटिंग से चेंज कर लें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं वहां भी क्वालिटी चेंज होती है, फुल एचडी में कर लीजिए बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आपने अभी तक पीबीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और हाँ पीबीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, या फिर इसे आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर सर्च भी कर सकते हैं पीबीआर स्टडी नाम से, कहीं भी सर्च करें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, फेसबुक पर सर्च करें, इंस्टाग्राम पर सर्च करें, हर जगह मिलेगा, और कहीं शेरो शायरी दर्द भरे नगमे नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ क्लास ही मिलेगी हर जगह, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत चीज़ों का इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं, तो फेसबुक पर भी आपको इसी क्लास का कुछ हिस्सा मिलेगा। और हाँ इतना ही नहीं, जो भी व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया था उसकी व्हाट्सएप स्टेटस को देखते रहेंगे तो आपको क्लास से संबंधित बहुत सारी अपडेट मिलेंगी, उसमें 30 सेकेंड वाला दिलवर वाला सॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। तो आप अपडेट रहें, जुड़े रहें, जिससे कि आगे बढ़ते रहें, इसलिए आपको ये सभी सिस्टम बताए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बीच बीच में एड देते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, अब उस समय अगर मैं मुंह बंद करके खड़ा रहूं तो आपका बगल का टुन्न पुन्न कहीं का सुनाई पड़ेगा इसमें, इससे अच्छा मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूं आप सभी को। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक दूसरा सवाल जो कि आपके बुक के हिसाब से हम लेके चलते हैं, वो है 105 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इसको भी दो पार्ट में तोड़ लीजिए और तोड़ करके फार्मूला लगा दीजिए। 105 को आप लिख सकते हैं एक पूर्ण संख्या के रूप में, लिख दें 100 धन 5। देखिए सिंपल सी बात, आपको ये समझना है कि वो संख्या किस टेंथ के पास है, जीरो वाली संख्या के पास है, ऐसे समझें। जैसे देखिए यहां लिखा है 51, आप जरा गौर करें 51 के पहले रहा होगा 50, इसके पहले रहा होगा 49, इसके इधर रहेगा 52, ये 53, मतलब जिस संख्या में लास्ट में जीरो आए आप देखिए 51 किसके करीब है, 51 के करीब है ना, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 51 से संबंधित बनाएंगे, मतलब कि 51 को आप 50+1 लिख सकते हैं। और हाँ अगर कहीं आपको ये 49 से पंगा लेना पड़े, मतलब ये 49 का होल स्क्वायर है, आप इसको कैसे निपटेंगे, कैसे इसको बनाएंगे फार्मूले के रूप में। देखिए आप अगर यहां समझे तो ये होता है 40 41, फिर ऐसे ऐसे ये होता है 48 49, फिर 50 और ऐसे 51, फिर 52, ये होता है ना। आप देखिए 49 किस संख्या के पास में है जिसमें जीरो हो, किसके पास में है, 40 के पास में तो है नहीं, 50 के पास में है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 50 से संबंधित करेंगे, और 50 से संबंधित कैसे करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 49 को 50 - 1 लिख सकते हैं ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आप इसे होल स्क्वायर लगा करके माइनस वाला फार्मूला लगा दीजिए, खटाखट आंसर आपके सामने होगा, दौड़ के आएगा। आगे चलें,
देखिए आपकी क्लास कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है, जिससे आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपके बहुत सारे टॉपिक उसमें शामिल होते हैं, और जीरो लेवल मैथ अगर मैं बोलूं ना तो अपार है ये, कभी खत्म नहीं होने वाली। बहुत कुछ है मैथ में, बहुत कुछ है। अगर आप क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ते हैं तो आपको मैं बोलता हूं कि 200 क्लास में खत्म हो जाता है, क्योंकि जीरो लेवल मैथ में कुछ ये फीचर होता है, आपको कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, हमें इसको हल करना है वो अलग बात है, हमें आपको समझाना है वो अलग बात है, ठीक ना। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, वो क्या है, इसको तो हम करेंगे लेकिन ये बहुत जरूरी है। 106 का गुणा करना है 107 में, ठीक है। आप देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा और खुद से हल करूंगा, दोनों में अंतर देखिएगा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं जो देख रहे हैं, अंतर देखिएगा दोनों में। दोनों में अंतर ये है, मैं दोनों का अंतर दिखा रहा हूं। देखिए ये 106 गुणा 107, इधर दिख तो रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तो मैं सबसे पहले इसको हल करके दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा बाद में। देखिए इसका जो हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 7 6 13 हो जाएगा, और 7 6 42। देखिए इसका फाइनल आंसर हमने आपके सामने ले आया, कितना हो जाएगा, 7 6 42 और ये 7 6 13 113। देखिए इसका उत्तर हो गया 113 42। मैंने कैसे लगाया, आपको नहीं समझाया ना, आप नहीं समझ पाए होंगे। एक मैं दूसरा दिखाऊं, 102 गुणा 108, 2 8 16 और ये 8 2 10 110 116 आया, है ना। एक और देखिएगा, बहुत ही इजी है ये सभी, 107 का आप गुणा करते हैं 109 में, कितना आएगा, देखिए 7 9 63 और 9 7 16 116। ये सभी मैं कैसे लिख दे रहा हूं, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ना, ये ट्रिक होती है। अगर मैं इसी को आपको समझाने लगूं तो काफी लंबा हो जाता है ये। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये गागर में सागर की क्लास है, जीरो लेवल तो चल रही ना, जीरो लेवल का मतलब होता है कुछ भी समझो और बहुत अच्छे से। तो देखिए जरा गौर करिए, ये 100 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 6 100 से कितना ज्यादा है, 6 ये 100 से कितना ज्यादा है, 7। सबसे पहले आप सिंपल में इसको गुणा कर लीजिए ऐसे, तो कितना हो जाएगा ये 7 6 42 हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 13 हुआ। अब आपको क्या करना है, ये किससे ज्यादा था, 100 से ना, इसमें आपको 100 जोड़ देना है, ये हो जाएगा 113, और यहां लाके इसको 113 रख देना है, और बीच का ये बांध खत्म कर देना है, 113 42 इसका उत्तर हो गया। लेकिन आपको समझाने में ज्यादा वक्त लगा, बट इसको मैंने हल किया तो आपने देखा होगा कम टाइम लगा। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों के भी मैसेज आते हैं, उदय सर हमें बताते हैं, सौरभ सर, जो भी कोई भी देखता है, कि पहले आप डेमो देखिए, देखते हैं कि आप सवाल को कितना देर में हल करते हैं। कल ऐसे एक दो क्वेश्चन आए थे जिसको सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई मुझे देखोगे हम कितना देर में हल करते हैं, तो फिर तुम समझोगे क्या आखिर, ठीक ना। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कितना देर में हल करते हैं, तो फिर आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला उसमें। अगर आप ये देखेंगे कि हम कैसे हल करते हैं, हाँ ये देख सकते हैं, ठीक ना। तो दोनों में अंतर होता है, मैं उन्हीं लोगों को जवाब देना चाहता हूं, वो हो सकता है कि क्लास देख रहे हो तो समझ गए होंगे, है ना। देखिए आप इसको कैसे करते हैं, इसको फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे, मैं फार्मूला नीचे दिखा दूंगा, या फिर देख लीजिए ए धन बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पहले तो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 5, ए की जगह पर यहां भी 100 कर लो भाई सभी लोग जल्दी से, और बी की जगह पर क्या होगा, यहां पर 5, और फिर 2 × ए की जगह पर 100 और बी की जगह पर 5 हो गया ना। फार्मूला आप मिटा सकते हैं नीचे से, जिससे कि आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके जो कुछ लिखना रहे, अगर ना लिख पाए ना, वीडियो को स्क्रीन पे टच करें, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो वीडियो रुक जाएगा, नोट कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो कृपया फुल स्क्रीन करें, अगर लैपटॉप में
तो क्वालिटी 720 पिक्सल के ऊपर करके करें, जिससे कि फटे ना स्क्रीन में, एकदम क्लियर दिखे, वरना थोड़ा छोटा में करके देखें, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का जवाब दो बार गुणा करेंगे, ये तरीका देखिए, 100 गुणा 100 करना है ना, 2 0 2 0 कितना जीरो, 4 ना, आप चारों जीरो लिख लीजिए ऐसे चुपके से, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, ये उत्तर हो गया। तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा, 5 का 2 बार गुणा करेंगे 25, आप सभी जानते हैं, 100 का गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए इसको आसान तरीका देखिए, 2 का 5 में कर लीजिए 10 हो गया, 10 का 100 में करेंगे तो आप जानते हैं 100 दहमा होता है 1000। बस इसी को कर दीजिए, जो भी करना है हो गया आपका क्लियर। लेकिन कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ जी बिल्कुल गड़बड़ है। वो क्या है, इसका वर्ग किया तो ये आ गया आपका 10000, 5 का किया 25 आ गया, लेकिन इसके बाद तो प्लस है ना बाबू, यहाँ पे ये प्लस है। अब जोड़ लीजिए, आइए हम आपको जोड़ना दिखा देते हैं कैसे करते हैं। इसमें 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिया, 25 भी जोड़ना है ना, लेकिन इसको बाद में जोड़ेंगे, क्यों, पहले बड़े बड़े लोगों को सामने करते हैं ये, और 25 को किनारे ऐसे जोड़ते हैं। ये तरीका मत अपनाइएगा, मैं आपको दोनों दिखाता हूं अच्छा बुरा, और दोनों का परिणाम भी मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे नहीं, ये तो अच्छा वाला हो जाएगा। ये कुछ लोग गलत फहमी में होते हैं, ऐसे कर जाते हैं, ये गड़बड़ है, ये तरीका नहीं सही है। अगर आप तरीका अपनाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, 5 कितना हो गया, 45000 हो गया, 45000। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, एक नॉर्मल माइंड लगा के कि जब 10000 में आप 1000 जोड़ेंगे और उसमें 25 जोड़ेंगे तो 45000 कैसे हो जाएगा। 10000 में 1000 जोड़ेंगे 11000 हुआ, 25 जोड़ा 11000 25 आना चाहिए, लेकिन ये तो 45000 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है ना। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो उतना आएगा, ये 5 2 0 1 1, देखिए 11025 आया, समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, चीजों को समझें कैसे होता है, ये मत समझें कि ये क्लास इतना देर की क्यों होती है, कोई एक टॉपिक को लेकर के इतना देर क्यों चिल्लाते हैं, आखिर मुझे मिलता क्या चिल्लाने से, मैं चाहूं तो इसको जल्दी जल्दी करके खत्म कर दूं, बात खत्म। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है, उसे आप समझिएगा, पहले वीडियो को रोक लीजिए तुरंत, फाइनल आंसर मैं कर देता हूं, फिर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग नोट्स भी बनाते हैं, और अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। ये आंसर हो गया, कंप्लीट हल किया गया है, मैं हट जाऊंगा, आप जल्दी से वीडियो को रोक लें और स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर लिख लें वीडियो को रोक रोक करके, इसी पर पुश करना जानते हैं ना, स्क्रीन पर टच करेंगे तो रुक जाएगा, और इसलिए मैं बोलता भी हूँ बीच बीच में, जिससे आपको याद आ जाए तुरंत, और जैसे बोलूं तुरंत टच करें, रोक लें, अगर लैपटॉप में देख रहे तो माउस से क्लिक करें, स्क्रीन पे रुक जाएगा और नोट कर लें, ठीक। तो ये हो गए आपके कुछ इस टाइप के सवाल, अब हम कुछ नया टाइप का भी ले चलते हैं एक आध दो। हाँ जी बिल्कुल, नया टाइप के सवाल में भी हम लोग चलेंगे, और वो भी तुरंत। कोयल भी बोल रही बगल में, सुनाई पड़ रहा होगा आप लोग को। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था 49 का होल स्क्वायर, है ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप 40 से शुरू करेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ना। अब देखिए 49 जो है ये किसके करीब है, जिसमें जीरो आए, जिसमें लास्ट में जीरो आना चाहिए, मतलब वो किसके करीब है। 40 तो यहां है, बहुत दूर है। 49 के आसपास आगे पीछे कौन है, 50 है ना, जो नजदीक में है, मतलब जिसमें जीरो हो लास्ट में, जिसका इकाई अंक जीरो हो। तो इसको हम 50 से ही संबंधित करेंगे, तो 50 से संबंधित मतलब हम 50 माइनस 1 अगर लिखें तो 49 आएगा ना, आपको ऐसे कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करेंगे, फार्मूले में ला करके इसको पटक देंगे इसी में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोगों को यहां मुसीबत आ रही होगी, वो सोच रहे होंगे
कि अभी एक फार्मूला अलग तरह लिखे थे, अब इसको अलग कैसे लिख रहे हैं, तो मैं उनकी कंफ्यूजन को दूर कर दूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। चाहे तो इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, या इसको पहले कर दें उसको बाद में, मतलब एक है हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने एक लिखा है उसी तरीके से चलिए चाहे जो। तो चलिए इसमें रख देते हैं मान a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, अब तो शायद समझ गए होंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 49 माइनस एक में लिखा हूं गलत है ना, मैंने अभी आपको बताया था इसको 50 माइनस एक करेंगे। तो चलिए रख देते हैं मान 50 स्क्वायर, उस फार्मूले में रखूंगा नीचे वाले में, नीचे वाले में रखता हूं, चलिए ठीक है, नीचे वाले में रखूं, ये लीजिए मैं फार्मूला यहां क्लियर कर देता हूं, सब मतलब एक हुआ चार्ज इसमें रखें, तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस टू ए की जगह पर 50, बी की जगह पर एक, 50 का होल स्क्वायर होगा 2500, एक का स्क्वायर एक माइनस दो पंचे 10। अब मुसीबत आएगी थोड़ी सी, वो कौन सी, देखिए 2500 में एक जोड़ेंगे तो 2501 होगा, उसमें से हमें घटाना है कितना, 1000 घटाना है, तो सिंपल सी बात है 2401 आ जाएगा, 2401 आएगा ना, आएगा ना, अरे भाई इसे कर लो ना सभी लोग, अब मैं क्या बोलूं और आप लोगों को, 2401 ठीक ना, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, 541 हो गया, जीरो हो गया, इसमें से 1000 घटाना था ना, देखिए दिमाग जो है ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो अब ज्यादा देर आपकी क्लास नहीं होने वाली है। कितना होगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1501 आएगा, ठीक है, जो मैं यहाँ 2401 लिखा हूँ गड़बड़ है ना, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, काफी लोग के कमेंट भी आ रहे होंगे, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना आप दिमाग गड़बड़ हो रहा है, देखिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कहीं कुछ गलत भी नहीं है, ये एक हो जाएगा 051, 1501 आएगा, इसे लिख लीजिए, बिल्कुल हैरान मत होइएगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, है ना। अब मैं घटा तो इसमें से 1000 रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में था 100, हो गया ना क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं आगे से हट चुका हूं, आप लोग जल्दी से छाप लीजिए सभी लोग। एक बात याद रखें, आपकी क्लास 10 मिनट से लेकर के 180 मिनट तक की हो सकती है, ठीक है, तो जीरो लेवल मैथ की ये ड्यूरेशन होती है टाइम का, शाम को 7 बजे से होता है हर दिन, संडे को छोड़ करके, जी बिल्कुल भाई, हम भी इंसान है, संडे को क्लास आपकी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें कुछ और भी मैनेज करना होता है। वीडियो को रोक ले जल्दी से, तुरंत रोक लिया। अगर आप इस क्लास को YouTube पर या Facebook पर फ्री प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मतलब टोटल फ्री, तो आप बहुत खुशनसीब हैं, वैसे भी आपकी क्लास ये फ्री ही होती है, लेकिन हाँ अगर आप इस तरह से और भी क्लास देखना चाहते हैं, जैसे पार्ट 1, 2, 3 इसी तरह की लेकर के पार्ट 200 तक की क्लास होती है, मतलब जीरो लेवल में इसमें 200 तक हो चुकी है पहली बैच में, या आप सेकेंड या थर्ड बैच में देख रहे होंगे, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सभी क्लास मिलेंगी, बिल्कुल आपको इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजना है और क्लास को ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पर सिंपल से बता दूं आप लोगों को, सभी क्लास करने के लिए आपको ज्वाइनिंग चार्ज मात्र 500 रुपए जमा करना होगा, जो कि सिर्फ एक बार करना होगा पूरे एक वर्ष में। आप सब में से बहुत से लोगों ने किया भी होगा, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर ऐसे प्लेटफॉर्म पर होती नहीं है कि जो सभी लोग देख ले, कुछ क्लास उपलब्ध होती है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि सर इसको आपको किस रूप में दिखाएंगे, ठीक है, जो सर मैनेज करते हैं वो किसको शेयर करते हैं नहीं, मुझे यहाँ इससे मालूम नहीं होता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं फ्री पर और आपने ज्वाइन नहीं किया है, अगली क्लास चाहते हैं, पिछली क्लास चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, ज्वाइन करें घर बैठे, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, आसाम, कहीं से भी हैं, आपके घर तक क्लास पहुंचेगी ऑनलाइन आपके मोबाइल पर, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो कि आपको व्हाट्सएप स्टेटस में सर ने दिखाया होगा, पीवीआर स्टडी परिवार की संख्या आपकी 68,000 लगभग पहुंच चुकी है, जिसमें बाबू बस हम लोग थोड़े कदम पीछे हैं, आप जानते होंगे जैसे एक से शुरू करें ना, 1, 2, 3, 4
है ना। तो कहां तक जाते हैं, 68 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना, 69 और 70, मतलब कि यहां तक आ चुके हैं, 100 में बहुत थोड़े पीछे हैं, कितना 32। तो जल्दी से जल्दी आप 32,000 मित्रों को और जोड़े, अगर आप 68,000 में से आधा लोग भी शेयर करते हैं एक दूसरे को, केवल एक एक लोग को, तो भी ये संख्या 1,00,000 हो जाएगी बड़े आराम से। आज तो अभी 20 तारीख है, 10 दिन का टाइम है, आप लोग चाहे तो अप्रैल बीतते बीतते 30 अप्रैल तक 1,00,000 पूरा कर दें। आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट होगी आप लोग ये पूरा कर दें, और हाँ अगर आप लोगों ने ये पूरा कर दिया तो 1 अप्रैल यानी कि बीतने के बाद मई में जो आएगा, मई नया महीना, 1,00,000 पूरा होने के बाद ये ज्वाइनिंग चार्ज भी खत्म, सब कुछ बिल्कुल फ्री। ये जो 1 वर्ष का ज्वाइनिंग चार्ज होता है ये भी बिल्कुल हटा दिया जाएगा, ये हमारी प्रॉमिस है आपकी तरफ से, और कभी मैं गलत प्रॉमिस नहीं करता, ठीक ना। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1,000 पूरा करें और मैसेज करें व्हाट्सएप पर, अपने मित्रों को जोड़ें, ठीक ना। आपके घर में जितना भी फोन है, भैया का, दीदी का, चाचा चाची, मम्मा मम्मी, जिसका भी है, सब में सब्सक्राइब करें, चाहे वो क्लास देखें या ना देखें, ठीक ना। इससे क्या होगा, आप लोगों की संख्या जब बढ़ेगी तो हमें भी थोड़ा एक खुशी होती है, और हाँ क्लास को लाइक अवश्य करें और शेयर करें, तभी होने वाला है। आप सभी के सहयोग से ही इतना हुआ 68,000, बाकी हम अकेले क्या कर सकते थे। आपने सुना होगा उस दिन ऑनलाइन जो मैंने बोला था, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारमा बनता गया। तो ये कारमा ऐसे बनता जाए, रुकने ना पाए, आप लोगों से हमारी विनम्र प्रार्थना होगी, कृपया आप लोग हमारी बातों को समझें और आपका पीवीआर स्टडी को आगे बढ़ाएं। इंडिया में मैं समझता हूं आप लोगों के रिस्पॉन्स के अनुसार एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर क्लास 1 से मैथ होती है, 1 से यानी कि फर्स्ट से, बाकी बहुत से चैनल हैं बड़े बड़े जिसपे आपकी कंपटीशन की मैथ होती है, और भी बहुत से प्रकार की कक्षाएं आप कर सकते हैं, लेकिन आज तक यहां तक कोई सोचता नहीं कि आपको कितनी प्रॉब्लम है। ये यहां से हमने शुरू किया मैथ, आपने देखा होगा लगभग में 1,00,000 लोगों ने देखा है, 9 3 12 का 2 हासिल आया, 1 7 3 10 1 11, यहां से मैंने शुरू किया है। जी हाँ, यहां से शुरू किया है, और यहां से शुरू करने के बाद आप चलेंगे ये, इसका नाम जानते होंगे ना, कौन सा चिन्ह होता है ये, जो लोग 12th में होंगे वो जानते हैं क्या है ये। तो बिल्कुल फर्स्ट से लेकर 12th तक की मैथ आप स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। इस बात को समझने की कोशिश करें, आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है और ढेर सारा थैंक यू, कृपया इस क्लास को मित्रों में शेयर करके जाइएगा। फिर से अगली क्लास होगी आपकी इसी समय पर, इसके बाद अभी 8 बजे से आप लोग देखेंगे NTPC, CTET, SSC और अन्य परीक्षाओं के लिए ट्रिकी मैथ की क्लास, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, कॉमन क्लास होगी, मास्टर क्लास, रात्रि 8 बजे से। 9:30 बजे से आपकी होगी DLED क्लास, और 10 बजे से भी आपकी DLED क्लास होगी। तो सभी क्लास को अटेंड करें, और अगर हर दिन आपको क्लास नहीं मिल पाती YouTube पर, तो ज्वाइन अवश्य करें। जी हाँ, सीटेट की भी मैच चल रही है, सुबह के टाइम में स्पेशल होती है, शाम को कॉमन क्लास होती है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, एंड जय हिंद, जय भारत।